गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आज बीकॉम थर्ड से का नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर क्या है या कैपिटल क्या है, सबसे पहले पार्टनर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। जो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म है वो जब जब बिजनेस को ज़रूरत होती पैसे की, तब बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को बिजनेस में क्या करते, पैसे इंट्रोड्यूस करते, ठीक है। उसके बाद बिजनेस से जब जब पैसे ज़्यादा होते तो वो अपने आप ही निकाल लेते, मतलब कैपिटल लाना और ड्रॉइंग करना इसके लिए कोई ज़्यादा प्रोविजन नहीं है और ना ही उनको कैपिटल की रेंज देखी है कि इतना ही कैपिटल होना उतना ही कैपिटल होना। बट कंपनी के केस में वैसे नहीं होता। कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए भी कंपनी का कैपिटल पहले डिसाइड किया जाता है। कंपनी का कितना कैपिटल रहेगा और कितने शेयर्स में उसको डिवाइड करना है ये पहले ही डिसाइड किया जाता है। तो कंपनी का जो कैपिटल रहता उसके छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं। कंपनी का जो कैपिटल रहता, सपोज कंपनी को 10 लाख जमा करना है, कंपनी को 10 लाख रुपये जमा करना है, रिसीव करना है, तो कंपनी ये जो 10 लाख रुपये किसी एक पर्सन से नहीं कलेक्ट करती, किसी एक पर्सन से कलेक्ट नहीं करती, तो वे 10 लाख रुपए वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देती है। जैसे कि 10 ईच का एक भाग, टोटल कंपनी के पास शेयर्स हो गए 1 लाख। टोटल कितने शेयर्स हो गए, 1 लाख शेयर्स हो गए। मतलब कंपनी को 10 लाख रुपए जमा करने हैं तो 10 लाख रुपए जमा करने के लिए कंपनी को अपने 1 लाख शेयर्स बेचने पड़ेंगे। तो जो कंपनी शेयर्स बेचेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से अभी कंपनी का टोटल, अभी सपोज एक पर्सन ने कंपनी के 25,000 शेयर्स परचेस कर लिए। ये कंपनी ने 25,000 शेयर्स परचेस कर लिए। अभी इसको 25,000 शेयर्स परचेस करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो एक शेयर 10,000 का है तो 25,000 × 10 टोटल कितना हो जाएगा, 2,50,000। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो जो ए पर्सन है उसके पास कंपनी का कितना हिस्सा है, तो इसके 25% हिस्सा ए पर्सन के पास है। इतना कैपिटल कंपनी में इंट्रोड्यूस करना, इसका मतलब वो कंपनी का इतने परसेंट से ओनर हो गया, ठीक है। ए जो भी कंपनी पैसा कमाएगी तो जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में से 25% हिस्सा किसको जाएगा, ए पर्सन को जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज करनी पड़ती है, कि पार्टनरशिप में नए नए ट्रीटमेंट होती है, जैसे किसी पार्टनर को एडमिशन दे दी तो उसके हिसाब से उसका रियलाइजेशन अकाउंट करके सब चेंज करना पड़ता है। उसके बाद किसी पार्टनर का डेट हो गया, पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर पार्टनर ये डेट हो जाती है या ये पार्टनर अपने शेयर्स बेचना चाहता है तो ईजिली वो दूसरे को बेच सकता है। मतलब इसका कंपनी के कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो भी बिजनेस ओनर आएगा चला जाएगा उसको कंपनी के कैपिटल में कोई बदलाव नहीं होता या कंपनी के कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अभी कंपनी को क्या करना है, ये अपने शेयर्स कलेक्ट करने हैं, तो कंपनी पूरे के पूरे पैसे एक साथ कलेक्ट नहीं करती और कंपनी को एक साथ पैसे की जरूरत भी नहीं होती। जैसे कि अभी कंपनी को सपोज एक काम करना है कंपनी को, तो काम करने के लिए उसको 2 लाख रुपए की बिल्डिंग लेना है, ठीक है। बिल्डिंग से पहले लैंड परचेस करना है, लैंड, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 लाख रुपए में से बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है। उसके बाद और 2 लाख में से उसको मशीनरी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मतलब कंपनी को जो भी पैसा लगता है वो एक साथ नहीं लगता, तो कंपनी क्या करती है, जो भी अपने पैसे वो एक साथ कलेक्ट नहीं करती है, तो कंपनी अपने जो पैसे उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करती है। जैसे कि कंपनी को कितना शेयर्स कलेक्ट करना है, 10, एक शेयर से 10 ईच, एक कंपनी को कितना कलेक्ट करना है, 10 ईच कलेक्ट करना है, तो कंपनी पूरे के पूरे 10 एक साथ नहीं लेते, तो उसको भी कुछ इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेशन करता है। तो जो इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेशन किया जाता है तो उसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि पहले एप्लीकेशन मनी आते, पहले क्या आता, एप्लीकेशन मनी आता, ठीक है, एप्लीकेशन आते। उसके बाद अलॉटमेंट करते, उसके बाद क्या करते, अलॉटमेंट, उसके बाद करते फर्स्ट कॉल, उसके बाद क्या करते फर्स्ट कॉल, और उसके बाद करते फाइनल कॉल या लास्ट कॉल, ठीक है। जैसी कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए 3 पर शेयर,
ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट के पैसे इशू हुए 2 पर शेयर, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल के मनी रिसीव्ड हुए 3 पर शेयर, ठीक है, और उसके बाद फाइनल कॉल के पैसे रिसीव हुए 2 पर शेयर, ठीक है। इसका मतलब कंपनी ने जो भी अपने पैसे कलेक्ट करने हैं उसके क्या कर दे, इंस्टॉलमेंट कर दे। तो पहले इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के साथ आएंगे, दूसरे इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के साथ आएंगे, तीसरे इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल के साथ आएंगे और चौथी इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल के साथ आएंगे। अभी इसकी अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी में किस तरीके से जर्नल एंट्री क्रिएट की जाती है, इसके बेसिक एंट्री यहाँ पे आज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगी कंपनी, अपने जो शेयर्स है वो बेचेगी। तो शेयर्स बेचने के लिए पब्लिक कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि ये कंपनी के शेयर्स तुम परचेस कर सकते हो तो करो, ठीक है। तो उसके लिए हर पब्लिक को, ठीक है, हर एक को क्या करना पड़ेगा, शेयर परचेस के लिए, परचेस करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या आ जाएंगे, अप्लीकेशन आ जाएंगे। तो अप्लीकेशन फ्री में नहीं करना पड़ता, तो अप्लीकेशन के पास कुछ अमाउंट लेना पड़ता है। जैसे कि इसने अप्लीकेशन के साथ कितने पैसे पेड करना पड़ेगा, एक शेयर होल्डर को अगर जितने शेयर परचेस करने हैं उसके हिसाब से 3 रुपया कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अभी जब अप्लीकेशन के पैसे कंपनी के पास आएंगे तो जर्नल एंट्री सबसे पहले होंगी, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, जब भी कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसे किसके आए, किससे आए, एप्लीकेशन से आए। अभी हर किसी का नाम तो लिखते बैठेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे पर्सन रहेंगे, इतने सारे पर्सन होने के बाद सबके नाम ये यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं। तो किस चीज के लिए पैसे आए, एप्लीकेशन के लिए पैसे आए, किस चीज के लिए पैसे आए, एप्लीकेशन के लिए पैसे आए, तो इसीलिए एप्लीकेशन क्या एंट्री होगी, होगी पहले बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं, पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट होती, और एप्लीकेशन के पैसे है तो एप्लीकेशन अकाउंट, टू एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों लिखा, कैश अकाउंट क्यों नहीं लिखा, तो कंपनी का जो भी ट्रांजेक्शन किया जाएगा वो बैंक अकाउंट से ही करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बैंक अकाउंट से, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होगा नहीं कंपनी का, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा था, बैंक अकाउंट। उसके बाद ये जो पैसे है ये किसके है, मेन इसका घर कौन सा है, कैपिटल वाला। ये एप्लीकेशन तो अभी टेम्पररी बना है, तो इसके इसके बाद इसके क्या, इसके पैसे कहाँ पे जाएंगे, उसके ओरिजिनल घर पे जाएंगे, यानी कि शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे, तो उसकी एंट्री होगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होल्डर, शेयर कैपिटल इसमें जाएंगे, शेयर कैपिटल के अकाउंट में जाए, ठीक है। इसका मतलब अब एक एंट्री को मिलाया जाए तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट हो जाएगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब कोई भी केस रहे, सोल ट्रेडर वाला केस रहे, पार्टनरशिप फर्म वाला केस रहे या कंपनी वाला केस रहे, जब जब पैसे आएंगे कैपिटल की इसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं किया जाता, तो इसकी प्रोविजन इस तरीके से की जाती है। तो पहले एप्लीकेशन के पैसे है तो एप्लीकेशन के नाम से लिखो, फिर एप्लीकेशन चले गए तो एप्लीकेशन चले गए, या क्रेडिट किया या डेबिट किया, एप्लीकेशन अकाउंट कट हो गया, मतलब बचा क्या, बैंक अकाउंट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अभी जो कंपनी के पास एप्लीकेशन है उन सबको शेयर्स मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कंपनी के पास अच्छे से मतलब एप्लीकेशन कर दिया तो वो शेयर होल्डर हो गया ये नहीं होता, तो उसके लिए अलॉटमेंट किया जाएगा। तो अलॉटमेंट करते समय फिर कुछ पैसे ले जाएंगे, तो यहाँ पे पहले क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा, तो अलॉटमेंट की एंट्री होती अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यह अलॉटमेंट के पैसे, पैसे आएंगे अपने पास तो पैसे आएंगे, इसलिए पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज के पैसे थे, अलॉटमेंट के पैसे, टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो जो फर्स्ट कॉल किया तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी, फाइनल कॉल किया तो फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे एंट्री सेम ही रहेगी पर इसका वे चेंज हो जाएगा,
यहाँ पे पहले रिसीव्ड की एंट्री हुई फिर ट्रांसफर की एंट्री हुई, यहाँ पे पहले ट्रांसफर की एंट्री होगी फिर रिसीव्ड की एंट्री होगी, ठीक। उसके बाद जो फर्स्ट कॉल आएगा उसकी एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कॉल किया है किस चीज के लिए कॉल किया, शेयर के लिए कॉल किया, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉल है ये इसके पैसे आ जाएंगे तो फर्स्ट कॉल वाला अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फाइनल कॉल किया जाएगा, फाइनल कॉल की भी सेम एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी फाइनल कॉल की, पहले तो क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, कॉल करने की एंट्री होती फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि जब जब कंपनी अपनी बेसिक जर्नल एंट्रीज करेंगे इसके हिसाब से ही जर्नल एंट्रीज होगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन, यहाँ पे सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, रिसीव्ड की, यहाँ पे सबसे पहली जो एंट्री हो जाएगी वो रिसीव्ड की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर ट्रांसफर की, ये जो पहली एंट्री है वहां पर ही ऐसी होगी, बाकी सब एंट्री पहले ट्रांसफर यानी कि ड्यू की एंट्री हो जाएंगे फिर रिसीव्ड की, इसमें भी ड्यू हो गया फिर रिसीव्ड हो गया, इसमें भी ड्यू हो गया रिसीव हो गया, इसमें भी ड्यू हो गया, इसमें भी ड्यू हो गया, उसके बाद रिसीव्ड हो गया, ये चीज में वही होगा, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव्ड होगा। इसका मतलब जब अपन अकाउंट देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट यही एंट्री मिलेंगी, क्या एंट्री मिलेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये केस में भी फर्स्ट कॉल कट हो गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी फाइनल का फाइनल कॉल कट हो गया, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि जब जब कंपनी में पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आज हमने पढ़े कि कंपनी क्या होती है, कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी के शेयर कैपिटल कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद कंपनी पैसे किस चीज से कलेक्ट करती है, एप्लीकेशन क्या रहता है, अलॉटमेंट क्या रहता है, फर्स्ट कॉल क्या रहता है, फाइनल कॉल क्या रहता है, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज कैसी ट्रीटमेंट होती, ये सभी आज हमने देखे। इसके बाद कल अपन एग्जाम्पल लेंगे, उसके हिसाब से कल अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।